आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिट बेयर किचन चिमनी की मेन मोटर की प्रॉब्लम। इस हिट बेयर की किचन चिमनी की मेन मोटर खराब हो गई है। उसे काफी टाइम से सर्विसिंग नहीं किया गया था, इस वजह से वो जैम होकर शॉर्ट हो गई है और बर्न हो गई है। तो देखिए, इसको रीस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसके फिल्टर आपको इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं कैसे दिखलेंगे। इन पुश बटन के जरिए आप इसके दोनों फिल्टरों को रिमूव कर लीजिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल देंगे कैसे इसका एग्जॉस्ट फैन जो है वो रिमूव होगा, कहाँ मोटर होती है, कैसे मोटर रिपेयर होगी। देखिए, इस चिमनी में से धुआं भी निकल रहा है, वीडियो में देख सकते हैं। ये HD क्वालिटी की हाई रेजोल्यूशन वीडियो है। ये मोटर को जब चलाते हैं तो इस चिमनी के मोटर में रोटेशन नहीं होता बल्कि धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चिमनी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई जा रही है, इसका वर्किंग, इसका फंक्शन आपके सामने है। ये मोटर के फिल्टर हमने निकाल लिए हैं। चिमनी के फिल्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। बैक साइड पे दो इंटरनल बल्ब हैं इसके अंदर जो लगे हुए हैं। इस वीडियो में आपको ये इसका फ्रंट टॉप है जिसको रिमूव कर लिया गया है। ये एडजस्ट वॉल के साथ हैंग होता है। यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट पाइप पर कुछ टैगिंग किया हुआ है कंपनी की तरफ से, इस टैगिंग को हम रिमूव कर देंगे प्लास की मदद से ताकि इसका एग्जॉस्ट पाइप चिमनी से अलग कर लिया जाए। ये देखिए, बड़ी आसानी से ये जो प्लास्टिक के टैग किए गए हैं एग्जॉस्ट पाइप को इसके साथ फिक्स करने के लिए इनको हम रिमूव कर रहे हैं। ये बड़ी कोई मेजर इशू नहीं है, बड़ा इजी सा काम है। ग्लास की मदद से हम इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक टाइल्स मार्केट से अवेलेबल है, आप दोबारा जब चिमनी को इंस्टॉल करें किचन में तो दोबारा भी इसे लगाया जा सकता है। ये इसलिए है कि चिमनी का ब्लोअर जब धुएं को ऑब्जर्व करके आउट करेगा एग्जॉस्ट पाइप से, तो ये देखिए, ये इस पे जस्ट रखा ही हुआ होता है इसके एक्सटेंशन। अभी आप इसको भी निकाल लीजिए, गर्म पानी बॉयल पानी के साथ इसको साफ कर सकते हैं या डीजल की मदद से भी इसे साफ किया जा सकता है। किचन चिमनीज में बहुत ज्यादा ऑयलिंग का इस्तेमाल होने की वजह से काफी डस्ट और ऑयल जमा हुआ निकलता है, तो जब भी इसे रिमूव करें तो सर्विसिंग की जरूरत है। यहाँ पर इसकी मेन पावर सप्लाई की कोर आ रही है, इस कोर का यहाँ पे ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को यहाँ से रिमूव कर लें। इस ज्वाइंट को रिमूव करने के बाद केवल 4 स्क्रू दीवार में इस चिमनी के इंटरनल लगे हैं, जिन्हें निकालने के बाद चिमनी आपकी वॉल से अलग हो जाएगी। ये चिमनी है हिट वेयर की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए रोजमर्रा जिंदगी की छोटे छोटे टेक्निकल वीडियोस लाते रहे। तो यहाँ देखिए, इस क्लॉक हैंगिंग पत्ती पर 3 नट लगे हुए, इनको थोड़ा लूज कर लेते हैं। चिमनी के वायर यानी कि पावर सप्लाई हमने रिमूव कर दी है और अब चिमनी में कोई करंट नहीं है, अब हम इसके स्क्रू रिमूव कर रहे हैं। जो इसकी हैंगिंग पत्ती है, टॉप पे हैंगिंग पत्ती लगी होती है 3 नटों के साथ, तो इसके नट हम थोड़े यूज कर रहे हैं हैंगिंग पत्ती के। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और 2 नट नीचे लगे हुए चिमनी के इंटरनल बॉडी में, अभी हम उन्हें भी रिमूव करेंगे। 2 स्क्रू नीचे की तरफ लगे हुए हैं चिमनी में,
ये रहे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम ये दो स्क्रू दिखाइए अंदर की तरफ दिखा रहे हैं आपको, इनको भी रिमूव आपको चिमनी में से करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया लोग क्या करते हैं, हैंगिंग पत्ती को रिमूव करने के बाद सोचते हैं कि चिमनी निकल जाएगी, तो गाइस चिमनी ऐसे रिमूव नहीं होगी, चिमनी के इंटरनल भी दो स्क्रू दीवार में लगे हुए होते हैं, इन्हें भी आपको रिमूव करना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी डिटेल से आपको चिमनी को डिसेंबल करना सिखाएंगे। ये तो अभी वॉल से अनप्लग कर रहे हैं, इसके बाद चिमनी को ओपन करेंगे और चिमनी के इंटरनल हम ब्लोअर को निकालेंगे। ब्लोअर के बाद इंटरनली जो ब्लोअर मोटर है उसको भी हम आपको इसी वीडियो में निकाल के दिखाएंगे। तो गाइज ये चिमनी के जो मोटर है वो अगर कंपनी से आप रीइंस्टॉल करवाते हैं काफी कॉस्टली पड़ेगी, बाकी मार्केट में ये 1000 रुपीज के आसपास ये मोटर अवेलेबल है, तो आप इसे रीबाइंड करवाने से बेटर है आप नई मोटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्लोअर की मोटर आपको मिल जाएगी और इसे आप बाइंड ना करवा के नया मोटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो ये हमने अंदर के दोनों स्क्रू निकाल दिए हैं, चिमनी वॉल से अलग हो चुकी है और जो हैंगिंग पत्ती है उसके स्क्रू हम यूज कर रहे हैं और ये चिमनी वॉल से रिमूव होंगे। ये देखिए इस तरह से आप चिमनी को वॉल से रिमूव कर सकते हैं, तो चिमनी वॉल से हट गई है और अलग हो गई है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन फ्री में है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बट हमें इससे सपोर्ट मिलेगा। हम चैनल पे आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे जो आप खुद अपने आप अपने हाथ से कर सकते हैं जब फ्री है, और इनके लिए बेसिक कोई हैवी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस डिसेंबल वीडियो के जरिए चिमनी को सर्विस करना भी सीख जाएंगे, प्लस इसमें तो मोटर प्रॉब्लम है तो आप मोटर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इसकी एग्जॉस्ट जो पॉइंट है जहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप लगती है वहाँ दो क्लोजिंग पॉइंट पे होल लगे हुए हैं। इनका फायदा क्या गाइस कि जो कोई डस्ट या कुछ स्मॉल पार्टिकल आपके ब्लोअर में ना चले जाए, और इसके अलावा भी हमारे एयर में भी बहुत सारी डस्ट रहती है और जो किचन में ऑयलिंग यूज होती है वो सारी चिमनी में जम जाती है। तो गाइस इसकी मोटर जाम हो गई है और ये पूरी तरह से जाम है और सड़ चुकी है। तो गाइस अब आपको हम दिखा, ये चिमनी काफी ही बुरी कंडीशन में, इसकी काफी टाइम से सर्विसिंग नहीं की हुई, तो शायद जब से हमने लगाई थी तब से सर्विसिंग। तो ये देखिए गाइस हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ स्क्रू है इस तरफ, इन स्क्रू को जैसे ही आप पेचकस की मदद से रिमूव कर देंगे तो आपका ब्लोअर सेक्शन जो चिमनी का है वो इसकी इंटरनल चिमनी से डीअसेंबल हो जाएगा, यानी कि अनप्लग हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहे, बने रहे। हम आपको हीटवेयर की इस चिमनी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली डीअसेंबल करना सिखा रहे हैं। एक एक स्क्रू आपके सामने वीडियो में अनकट रूप में दिखाया जा रहा है, एक एक स्क्रू वन बाय वन एवरी स्क्रू आपको सामने इस वीडियो में दिखाया जा रहा है बिना कोई कट के साथ। देख सकते हैं गाइस ये सभी स्क्रू हमने पहले आपको दिखाए थे और अब हम सभी स्क्रू को वन बाय वन रिमूव कर रहे हैं। इस जो साइड चिमनी की वॉल पे लगी हुई थी उस तरफ जितने भी स्क्रू है उनको जब आप रिमूव कर देंगे तो ये जो चिमनी का ब्लोअर है ये अलग हो जाएगा और चिमनी डिसेंबल हो जाएगी। इटरली इस बॉडी में चिमनी में चार ही पार्ट्स लगे होते हैं, एक पीसीबी जिसपे आपके बटन है जहां से चिमनी ऑन ऑफ होती है, एक ब्लोअर सेक्शन होता है,
एक पीसीबी होती है जहां पर दो बल्ब लगे होते हैं रोशनी के लिए। तो इस तरह से इसके ये चार सेक्शन बने हुए हैं इंटरनली। तो आज हम इस सभी सेक्शनों को अलग करेंगे, सिर्फ जो फ्रंट में बटन है जैसे चिमनी की स्पीड या बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है उसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी इसकी पीसीबी, इसका बल्ब सेक्शन, इसका ब्लोअर सेक्शन सारे आपको इसी वीडियो में डिसेंबल करके। ये देखिए जो फ्रंट के पैनल थे जिससे डस्ट ना जाए वो हमने रिमूव कर दिया है और अब आपको इंटरनली ब्लॉर दिखाई दे रहा है। यहाँ टॉप पर भी देखिए गाइस, बैक पे तो सारे नट आपने खोल दिए पर ये ब्लॉर सेक्शन अभी आउट नहीं होगा। यहाँ टॉप पर भी इसके स्क्रू लगे हुए हैं, इसीलिए आप किसी भी चिमनी को, मोस्टली चिमनी की स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है, अगर आप यूज करने जा रहे हैं या डिसेंबल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप देखकर यूज करते हैं तो गाइस प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियोस को कंप्लीट पहले देखें, आराम से एक एक स्क्रू को, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए वरना आप चिमनी को प्रॉपर डिसेंबल नहीं कर पाए। ये देखिए अब ये ब्लोअर सेक्शन रिमूव होने लगा। बैक वॉल के हमने सभी नट लगा लिए थे, वो ब्लोअर सेक्शन रिमूव नहीं हुआ था क्योंकि इसके टॉप पर जो एग्जॉस्ट पाइप जहां लगा होता है वहां पर भी कुछ स्क्रू लगे हुए हैं। बड़े आराम से ये थोड़ा सा जेसी में प्लग किया हुआ होता है, सभी स्क्रू खुलने के बाद रिमूव तो हो गया बट अभी बाहर नहीं आ रहा है। नीचे जो एलईडी बल्ब्स हैं उनको आप निकाल लेते हैं ताकि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए इस ब्लॉर के रिमूविंग प्रोसेस में। निकलने के लिए रेडी है, पर इससे पहले जो इसमें बल्ब की रोशनी आती है वहां पर एक प्लेट लगी हुई है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा ताकि इसको जगह मिल जाए रिमूव होने के लिए। ये देखिए ये जो जहां बल्ब और इसकी पीसीबी सेक्शन है वो अलग से आ गया, अब ये ब्लोअर सेक्शन चिमनी से बिल्कुल अलग किया जा चुका है। इसको जब भी खोले इसमें ऑयल और डस्टिंग बहुत ज्यादा होगी तो बड़े ध्यान से। तो ये गाइस इसका पूरा ब्लोअर सेक्शन है जिसके अंदर एक मोटर और ब्लोअर पॉपुलेटर लगा हुआ है और एक पीसीबी सेक्शन है जो नीचे इसके अभी आपको दिखाएंगे, इसमें बल्ब कसे हुए होते हैं और उसका पीसीबी लगा हुआ होता है। तो इस ब्लॉक को हमने हाथ से घुमा के देखा है, कोई जाम नहीं है बट मोटर इसकी सड़ चुकी है। आप देख सकते हैं गाइस अगर हाथ से हिला रहे हैं तो इसका ब्लॉक काफी इजिली मूव हो पा रहा है, वो जाम नहीं है। बट जो इसकी मोटर है वो सड़ चुकी है। अब ब्लोअर के साइड में देखिए स्क्रू लगे हुए हैं, इनको रिमूव करें। जी गाइस ब्लोअर के साइड में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, इनको रिमूव करना है। जैसे आप इनको रिमूव करेंगे तो ये चिमनी से अलग हो जाएगी और चिमनी का ये ब्लोअर, ये दोनों इससे डिफरेंट होने के बाद आप इसकी मोटर को और ब्लोअर सेक्शन को यूज कर पाएंगे अलग अलग। तो गाइस जैसा आपने बताया था इस वीडियो में आपको कंप्लीट किटवेयर की चिमनी को हम डीअसेंबल करके दिखाएंगे पूरी तरह से। ये देखिए ये हमने इसके ब्लोअर सेक्शन के सभी स्क्रू खोल दिए हैं और ब्लोअर दो भागों में बट गया है। आपको सामने ब्लोअर दिखाई दे रहा होगा इंटरनल, उसका फैन और कुछ वायरिंग है। वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ वायरिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है मोटर का और उसकी दो वायरिंग लगी हुई है। इसको प्लास की मदद से पिन टाइप होते हैं, इसको अलग कर लीजिए।
ताकि कैपेसिटर इसके दूसरे प्रोपेलर में लगा रहे। एक जेसी में ये कैपेसिटर है, किसी भी बड़े मोटर को, स्पीड मोटर को स्टार्टअप देने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है चेसी में, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कैपेसिटर है इस मोटर का। ये ब्लोअर है, देखिए बिल्कुल मूवेबल है, पर इसकी मोटर सड़ चुकी है इसलिए ये चल नहीं रहा। इसके स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आप नोजल प्लास या गोटी पन्ना आता है उसकी मदद से ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास गोटी पन्ना नहीं है तो आप बड़ी आसानी से नोजल प्लास की मदद से भी इसके स्क्रू को ओपन कर सकते हैं गाइस। फिर आपको बता दें, आपके लिए हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहेंगे। बदले में हमें चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस पे जो वर्किंग है वो कैसी लगी है। देखिए अब आप इसका पीसीबी सेक्शन आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, ये इसका पीसीबी सेक्शन है जिसे हम ओपन करके दिखा रहे हैं। इस पीसीबी सेक्शन में इस मोटर की वायरिंग लगी हुई है। ये 3 स्पीड की मोटर है तो इसकी 4 वायरिंग लगी होगी, एक न्यूट्रल की, 3 सफेद की इसके अंदर लगी हुई है। ये पीसीबी हमने खोल ली, इस पीसीबी के लेफ्ट और राइट पे बल्ब होल्डर है जिसमें इस चिमनी के बल्ब लगे हुए थे जो हमने निकाल लिए, ये साइडों में लगे हुए थे। और अब हम इस पीसीबी से इस मोटर की 4 तारे निकाल लेंगे। इस मोटर से 6 तारे निकलती होगी, 2 तारे स्टार्टर को जाएगी, कैपेसिटर को, और बाकी 4 तारे इसके पीसीबी सेक्शन में जाएंगी। पीसीबी सेक्शन में एक न्यूट्रल होगी, एक स्पीड 1, एक स्पीड 2 और स्पीड 3। इस तरह से 4 तारे चिमनी के पीसीबी में लगी हुई है और 2 तारे मोटर ब्लोअर के कैपेसिटर पर लगी होती है। टोटल इस मोटर से 6 केबल्स आउट होती है। यह पीसीबी से निकाल रहे हैं, पीसीबी में लिखा होगा न्यूट्रल, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 विद कलर कोड। ये जो वायरिंग है कि कलर होते हैं और इस मोटर के ऊपर उस कलर की व्याख्या लिखी होती है कि ब्लू कलर किसके लिए है, ग्रीन कलर किसके लिए है। उन कलर के जरिए आप पीसीबी पे भी लिखा हुआ है स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, आप उसी हिसाब से इसको पीसीबी पे लगा सकते हैं। यह बड़ी आसानी से तरीका है जिस भी, क्योंकि ये हर चिमनी में, हर मोटर पे की कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज होने का डर है, तो जब आप इन वायरिंग को निकालें तो इनका स्नैप्स ले लें, तो नोट कर लें कि किस कलर का वायर किस नंबर पीसीबी पे लगा हुआ। टेक्निकली आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, इस मोटर से आपको 6 केबलें निकलेगी, 2 केबलें चिमनी के कैपेसिटर पर लगेगी जो इस ब्लोअर के अंदर ही इंस्टॉल किया हुआ है, और बाकी शेष 4 केबलें, एक न्यूट्रल है, एक स्पीड 1, एक स्पीड 2, एक स्पीड 3, ये सभी की सभी 4 तारे आपके पीसीबी पे जाएगी चिमनी के। एक इसमें अर्थ का वायर होगा, अर्थ के लिए ताकि कोई करंट ना आए, उस पर्पस पे भी लगा होगा। अर्थ का जो वायर होगा वो बेसिकली ग्रीन कलर का होगा, चिमनी मोटर से निकल के ब्लोअर से चिमनी के चेसी के साथ लगा हुआ होगा। तो इसकी सारी तारे हमने निकाल ली है, और अब इस ब्लोअर के जो ये कवर है इसके बैक साइड पे इसके कुछ 4 या 5 स्क्रू लगे हुए हैं जिन्हें हम गोटी के जरिए या टॉर्चर प्लास के जरिए रिमूव कर लेंगे, और ये मोटर इस चिमनी के ब्लोअर सेक्शन से आउट हो जाएगी गाइस। चिमनी जब से लगी है इसकी सर्विस नहीं की गई, इस वजह से इसमें बहुत सारी डस्ट और ऑयलिंग है। हर बार गाइस हम आपको रिपीट कर रहे हैं
ये अब इसका आपको कैपेसिटर निकाल के दिखाते हैं, ये इसका कैपेसिटर है गाइस, ये रहा। ये कैपेसिटर इस चिमनी की स्टार्टिंग का काम करता है और चिमनी के अंदर ही लगा हुआ होता है गाइस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कैपेसिटर 1.5 UF का है और 230 AC वोल्टेज का है। कभी कभी बता दें अगर गाइस आपकी चिमनी की राउंड्स कम हो गए हैं, चिमनी के RPM कम हो गए हैं, तो उस केस में आप इसका कैपेसिटर बदल के देखिए, 90% कैपेसिटर डाउन होने की वजह से मोटर के RPM कम हो जाते हैं। आप हीटवेयर के सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, ब्लोअर नया ले लीजिए। अगर चिमनी 7,000 रुपए की है तो उसका ब्लोअर ही केवल 2,800 से 3,000 रुपए के आसपास होता है गाइस, जबकि इसको आप खोल के इसकी मोटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे दिखा के 800, 900 या मैक्सिमम 1,000 रुपीज पे आप ले सकते हैं। आप मोटर को रिप्लेस कर दीजिए, आपकी चिमनी पूर्णतः पुराने सेक्शन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस चिमनी की मोटर हमें मार्केट से 1,000 रुपीज में अवेलेबल थी, उस मोटर को बदलने के बाद चिमनी एज इट इज नई की तरह से दोबारा ही काम में आ गई। गाइज आपको चिमनी बदलने की जरूरत नहीं है, गाइज आपको ब्लोअर बदलने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 2,800-3,000 रुपए का ब्लोअर नया लगाने की जरूरत है गाइस। केवल केवल आपको इसकी मोटर अगर सड़ जाती तो उसके मोटर को आप बाइट ना करा के केवल उस मोटर को आप नई ही लगा सकते हैं। अगर आप बाइट के बारे जाएंगे तो इनकी मोटर स्मॉल साइज में है और उसकी बाइंडिंग बड़ी बारीकी से होती है, जो मशीनरी द्वारा की जाती है, हाथों द्वारा इतनी बारीक बाइंडिंग मोटर बाइंडिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से मोस्टली जो शॉपकीपर है वो मना कर देंगे इसकी मोटर बांधने के, मोटर को रिपेयर करने में। तो गाइस हम आपको गाइड कर रहे हैं इस वीडियो में, इसकी मोटर ज्यादा मोस्टली नहीं होती। हाँ, अगर आप हीटवेयर के सर्विस सेंटर पे जाते हैं या कॉल करते हैं तो गाइस वो इस चिमनी की मोटर को आपको देंगे 2,800 से 3,000 रुपए के आसपास। एक्चुअली वो मोटर नहीं देंगे, वो पूरा ये ब्लॉक जो आपको ब्लैक कलर का ये बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर से मोटर खोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही नया दे देंगे, पूरा पार्ट्स ही रिप्लेस कर देंगे, जबकि पार्ट्स प्लास्टिक का है। अगर वो टूट गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फिजिकल डैमेज है, जब तो आप ब्लॉक आप लीजिए, अदरवाइज प्लास्टिक के ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। केवल केवल इसकी मोटर कई बार जाम होने की वजह से सड़ जाती है, ऑयलिंग की वजह से खराब हो जाती है। तो जो फॉल्ट आएगा वो मोटर में आएगा, मोटर मार्केट में ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इस मॉडल की चिमनी जो हमने अभी आपके सामने अभी डिसेंबल की है कंप्लीट, ये मोटर मार्केट में 1,000 रुपीज में हमें मिल गई, सेम हीटवेयर कंपनी की, सेम RPM, सेम पावर, सेम कैपेसिटी के साथ। तो ये वीडियो में हम देखिए इस ब्लोअर सेक्शन से 4 स्क्रू है इसके, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद ये ब्लोअर से मोटर अलग हो जाएगी गाइस। तो पेचकस की मदद से इनको लास्ट में रिमूव कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही दिखाएंगे गाइस, क्योंकि डिसेंबल वीडियो थी, हमने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया। सेकंड पार्ट में जैसे हमने डिसेंबल किया, वीडियो बड़ी हो जाती, सेम उसी तरह से इसको टाइट करने हैं और आपकी चिमनी फिर से असेंबल हो जाएगी। डिसेंबल हमने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्क्रू को रिमूव करके एक एक स्टेप के साथ। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो इस वजह से थोड़ा लंबा पड़ गया, तकरीबन आधे घंटे का वीडियो है गाइस। ये देखिए ये ब्लॉक और मोटर, ये स्मॉल सी इसकी मोटर है गाइस, ये रहे। तो ये
इसका फैन है ब्लॉक के अंदर का, और इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है जिसे आप ग्लास की मदद से रिमूव करेंगे तो ये ब्लॉक अलग हो जाएगा, मोटर अलग हो जाएगा। तो इतना ही था गाइस, आपको हमने हीट वे की चिमनी को डिसेबल करना सिखाया कम्प्लीटली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी वीडियोस आपके लिए आप और भी लाएं तो आप हमें आइडियाज कमेंट सेक्शन में दें। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो डाउन साइड में राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके, ताकि जब भी हम आपके वीडियो डालें ऐसे टेक्निकल वीडियोस तो आपको इनके नोटिफिकेशन आए। और हाँ गाइस उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको दबा के आप नोटिफिकेशन आए। ये मोटर हमने पूरी रिमूव कर दी। तो गाइस जैसा शुरू में बताया गया था पूरी हीटवेयर की चिमनी हमने एक एक स्क्रू एक एक सिस्टम मेटेरियल ढंग से आपको रिमूव करके दिखाया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाएं। और वीडियो को देखने के लिए गाइस आपका धन्यवाद। ओके गाइस थैंक यू एंड बाय बाय। Thank you.